हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बचा। मैं सरिता और आज आपके लिए लेके आई हूँ आप घर पर होममेड नेचुरल ब्लीच किस तरह से तैयार कर सकते हैं। जब आप घर पर ब्लीच तैयार कर सकते हैं तो क्यों महंगे महंगे पार्लर्स में जाना और क्यों महंगी महंगी केमिकल वाली ब्लीच आप अपने चेहरे पर लगाएं, जिससे कि आपको कई नुकसान भी आपके फेस पर उठाने पड़ते हैं। ब्लीच का क्या काम होता है? ब्लीच जो मार्केट की ब्लीच होती है उसमें क्रीम प्लस एक्टिवेटिव होता है। जब हम दोनों को मिलाकर लगाते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूटता है और ऑक्सीजन अलग होता है। हमारी स्किन में मेलानिन का जो तत्व होता है वो ज़्यादा होता है, जिस वजह से हमारी स्किन का टेक्सचर डार्क लगता है। तो ब्लीच का काम मेलानिन को कम करना होता है, जिसकी वजह से हमारा टेक्सचर इन्हांस होता है, फेयर होता है और गोरा दिखने लगता है। तो इसको हम जब हम घर पर बना सकते हैं तो हम मार्केट से क्यों महंगी महंगी ब्लीच खरीद के लाएं? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर ब्लीच किस तरह से तैयार करते हैं। मैं बताती हूँ आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो ब्लीच बनाने के लिए आपको चाहिए कच्चा दूध 2 चम्मच, एक आलू जिसे आप छील के अच्छे से ग्रेट कर लें और उसका जूस निकाल लें, और आपको तीसरा चाहिए राइस फ्लोर चावल का आटा। तो आपको ब्लीच बनाने के लिए सबसे पहले कच्चा दूध चाहिए, और आप इसको कॉटन की हेल्प से डिप करके इस तरह से आप अपने फेस पर लगा लें, क्योंकि आपका जो कच्चा मिल्क होगा वो आपका वाइटनिंग एजेंट का काम करेगा, जो आपके स्किन पर एक वाइट ग्लो लेकर आएगा। इसको हमें इसी तरह पूरे फेस पर इस तरह आप डैब डैब करके लगाएं। इस तरह देखिए, इस तरह आप नेक पर भी लगाएं। मैं हमेशा बताती हूँ कि आप कोई भी फेस पैक या ब्लीच कुछ भी करते हैं तो आप उसको अपने फेस पर और नेक पर दोनों पर लगाएं, क्योंकि जब आप अपने फेस पर ब्लीच या पैक लगाते हैं तो आपका स्किन, आपके फेस और आपके नेक का टेक्सचर सेम होना चाहिए। ये लगाने के बाद आप इसको ड्राई कर लें। मैं मिलती हूँ ड्राई करने के बाद। दूसरा इंग्रेडिएंट है आपका राइस फ्लोर। मैं 1 स्पून लेती हूँ राइस फ्लोर, एकदम बिल्कुल फाइन वाला होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने घर पर भी मिक्सर में बना सकते हैं, पर जब उसे बनाएं तो आप अच्छे से कॉटन के कपड़े में उसको छान लें ताकि बिल्कुल फाइन वाला आपको मिल जाए। और ये मैंने देखिए पोटैटो जूस बना के रखा हुआ है, और आप देख पा रहे हैं देखिए नीचे की साइड इसका स्टार्च नीचे बैठ गया है, वो इसका बहुत यूज़फुल है। मैं इसका जूस है वो अलग कर देती हूँ, और हम यही चाहिए स्टार्च जो होता है ये बहुत यूज़फुल होता है ब्लीचिंग, इसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट होता है। एक छोटी सी टिप मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग से शेयर करती हूँ। जब आप अपने प्रेशर कुकर में आप आलू को उबालते हैं, आप दो तरह से उबालते होंगे आलू को, एक छिलके के साथ डाल के आप उबाल लेते हैं और एक आप जब छिलके उबालते हैं, तो आपको फ़र्क क्या नज़र आता है? जब आप छिलके के साथ उबालते हैं तो प्रेशर कुकर काला पड़ जाता है, क्योंकि उसके छिलके के अंदर आयरन होता है, इसलिए प्रेशर कुकर काला पड़ जाता है। जब आप छिलका उतार के इसको उबालते हैं तो प्रेशर कुकर अंदर से बहुत ज़्यादा शाइनर हो जाता है, क्योंकि हमने इसका आयरन निकाल दिया, और आपका स्टार्च वाला पार्ट जो होता है वो प्रेशर कुकर के जब उबलता है तो प्रेशर कुकर एकदम शाइनर हो जाता है। तो ये स्टार्च की वजह से वो प्रेशर कुकर शाइनर हो जाता है। तो इसी का प्रूफ है कि ये आपके स्किन को भी इसी तरह शाइनी बनाएगा, और आपका ब्लीचिंग एजेंट भी माना जाता है ये। तो इसी तरह मैंने दोनों को मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से। आपको जितना बनाना है उतना आप बना सकते हैं। आप इस तरह से कॉटन के से भी लगा सकते हैं, हेल्प से लगा सकते हैं, या आप ब्रश की हेल्प से भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैं लगा लेती हूँ अपने फेस पर इस तरह से, और राइस फ्लोर भी वाइटनिंग और टाइटनिंग एजेंट माना जाता है।
तो एक प्रॉपर ब्लीच बनकर रेडी हो जाती है आपकी इस तरह से। जब भी पैक या ब्लीच कुछ भी आप लगाएं, फेस पैक लगाएं, तो इसी तरह से ऊपर की ओर ले जाते हुए आप लगाएं इसमें। ये देखिए इस तरह से आपका, जब आपने जो रॉ मिल्क आपने लगाया था वो जब आपका सूख जाए तो आप इस पेस्ट को लगाएं। आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन के अंदर, अगर आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं, 15 से 20 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छा फ़र्क मिलने लगेगा। जैसे आपकी मार्केट की ब्लीच आपके हेयर्स, जो आपके जो फेस के हेयर्स होते हैं उनका टेक्सचर बदल देते हैं, ये भी हल्का हल्का अगर आप डेली यूज़ करते हैं इसको, तो 15 से 20 दिनों में आपके बालों का जो हल्का सा कलर होता है उसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करने में भी हेल्प करता है। वही आपका सेम मार्केट की ब्लीच का काम होता है। इसको सूखने के बाद आप इसको ठंडे पानी से धो लें, और आप ब्लीच लगाने के बाद, चाहे मार्केट की हो चाहे घर की हो, सोप से बिल्कुल भी वॉश ना करें। सोप, फेस वॉश, शैम्पू, किसी भी तरह का फेस पर यूज़ ना करें, और गर्म पानी का भी यूज़ ना। कैसी लगे आपको ये होममेड ब्लीच, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।